बलाई समाज के दीपापुर तहसील अध्यक्ष बने सिंह सोलंकी के नेतृत्व में दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मनोज परमार का जन्मोत्सव एवं दीपावली मिलन समारोह के अवसर पर दीपालपुर पहुंचे, जहां दीपालपुर के बस स्टैंड पर बलाई समाज के दीपालपुर तहसील अध्यक्ष बने सिंह सोलंकी के नेतृत्व में आतिशबाजी कर 51 किलो के पुष्प हार से भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के पूर्व सभी स्थानीय दलित कार्यकर्ता अपने नेता को लेने इंदौर नाके पहुंचे, जहां पैदल जुलूस के रूप में बस स्टैंड पर लाया गया, जहां आतिशबाजी जमकर की गई। दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मनोज परमार का कहना है कि दीपालपुर के लोगों ने शुरू से ही मुझे मोहब्बत दी है। मैं बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारणा पर काम करने वाला व्यक्ति हूं और गांव-गांव तक पहुंचता हूं, और आज यहां विचारधारणा आम लोगों तक पहुंच गई है। मैं यह चाहता हूं कि यह विचारधारणा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस उद्देश्य से गांव-गांव जाता हूं, इसलिए सभी लोग मुझे प्रेम करते हैं। जो हमारी भलाई समाज है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने, उनका स्नेह और प्रेम प्राप्त करने के लिए आज मैं यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हुआ। वैसे तो शुरू से ही यहाँ के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके लिए तो मैं आभारी हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ और बाबा साहब की विचारधारा को गांव-गांव में पहुँचाता हूँ, और शायद ये विचारधारा आज आम जन तक पहुँच गई है। मैं ये चाहता हूँ कि यह विचारधारा जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, समाज में जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुँचे, ताकि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके और समानता का अधिकार हमारे शोषित वर्ग को भी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।